बहुत बढ़िया रिव्यू था इसके लिए. ऑफकोर्स मेन एक्टर इज एन अमेरिकन इंडियन, उसमें भी मुझे दिलचस्पी है, रोम कॉम है, मज़ा आएगा. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड मूवी. अनुपम खेर भी अभिनय कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए अच्छा संकेत है. जी, बहुत अच्छी बात है. हालांकि अनुपम खेर जी अब तो काफ़ी हॉलीवुड पिक्चरों में कट चुके हैं, वी हैव बिकम यूज्ड टू सीइंग हिम, जैसे कि एक ज़माने में ओमपुरी को देखा जाता था. बट इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू सी हिम. तो मुझे लगता है कि रोम कॉम के जॉनर में रहकर थोड़ी सी अलग होगी पिक्चर. आई जस्ट फिनिश शूटिंग अ फिल्म, सो आई कॉन्ट टॉक अबाउट इट राइट नाउ. लेकिन अभी शूटिंग खत्म हो गई है, अभी एडिटिंग चल रही है. खास तरह की उम्मीदें होती हैं जब आप फिल्म लेके आती हैं, और यू नो एक मुख्तलिफ सा वक्फा भी हो गया है, कुछ बीच में गैप भी हो गया है. लेकिन ये थोड़ी सी अलग, मेरे लिए थोड़ी सी अलग पिक्चर है, क्योंकि एक मैं इसको हिंदुस्तानी रोम कॉम कहूँगी, उस जॉनर की पिक्चर है. तो मेरी जो यूजुअली जो होती हैं पिक्चरें जिसमें काफ़ी वायलेंस और फीमेल प्रोटैगनिस्ट, इसमें भी फीमेल प्रोटैगनिस्ट है लेकिन रोम कॉम है. तो उस तरह से वायलेंट पिक्चर या जिसमें बहुत सारा खून खराबा हो वैसी नहीं है, बिल्कुल भी खून खराबा नहीं है. I had always wanted to do a light film, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि ड्रामा इज मोर माई स्टाइल, लेकिन आई वॉन्टेड टू गो आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, सो दैट्स व्हाई आई डिड दिस. आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. मुझे लगता है कि जब तक वीमेन आर एब्सोल्युटली इक्वल टू मैन एंड ऑल माइनॉरिटीज़ आर एब्सोल्युटली इक्वल टू ईच अदर, तब तक यू कांट से कि एक जस्ट सोसाइटी है. लेकिन फिर भी वन स्टेप एट अ टाइम जो होता है वो अच्छा ही होता है, और उसके लिए हमको हमेशा कोशिश करनी पड़ेगी कि फीमेल इक्वालिटी हो, बहुत ज़रूरी है, खास करके हमारे देश में. एक जगह हमने पढ़ा कि घूंघट की आन बान हमारे हरियाणा की पहचान. दिस इज अ मैगजीन बाय हरियाणा गवर्नमेंट, उसने ऐसा स्टेटमेंट. डू यू थिंक दिस कम्स अक्रॉस साउंड्स करेक्ट, कि मतलब घूंघट में महिलाएं हैं उनको ही आन बान समझा जा रहा है? बहुत ही एक्चुअली ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चक्कर है, क्योंकि एक कल्चर जो है जिससे लोग जुड़े हैं उसको आप बिल्कुल तो नकार नहीं सकते, लेकिन उससे जो अलग लोग होते हैं उनको भी नकारना नहीं चाहिए. तो अगर मैं घूंघट में विश्वास न करूं तो आपको उससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर आप घूंघट पसंद करें. तो आई थिंक कि वो एक उसी को इक्वालिटी बोलते हैं, कि आपकी जो चॉइस, अगर आप चॉइस से, हालांकि बहुत सारी घूंघट पहनने वाली औरतें चॉइस से नहीं पहनती, वो क्योंकि वो एक रिवायत है या एक हैबिट है उस रीजन की, उसकी वजह से भी करती हैं. लेकिन मेरे हिसाब से कि अगर एक महिला की अपनी चॉइस वो एक्सरसाइज कर रही हो तब ठीक है, लेकिन अगर उस पर थोपा जा रहा हो तो ठीक नहीं है. बट प्रेजेंटिंग अ गवर्नमेंट मैगजीन, उसमें इस तरह का आना कि एक संदेश जाता है ना ये. बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू ऑफकोर्स अलाउ फॉर मोर पर्सनल सिटीजन इक्वालिटी. गवर्नमेंट इज़ वेरी ट्रेडिशनल एंड कंजर्वेटिव, और गवर्नमेंट को एक्चुअली उदाहरण देना चाहिए बाय स्टेपिंग आउट ऑफ द जोन. अक्सर ऐसा नहीं होता, मतलब ग्रुप्स में किसी तरह का रेवोल्यूशन शुरू होता है, फिर गवर्नमेंट उसे अपनाती है. तो होपफुली द रेवोल्यूशन विल बिकम कॉमन. आई थिंक समबडी इज वेटिंग.